तो सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एजुकेशन टेक अपडेट्स चैनल को और ये बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Hey, what's up guys, this is Pratik here। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ अच्छे एंड यूनिक ऐप्स के बारे में जिसको आप यूज करके आपका फ़ोन को थोड़ा स्मार्ट एंड अच्छे लुक दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपके लिए मैं ऐसे तीन टॉपिक लेके आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको इस वीडियो में आपको तीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपका फ़ोन को अच्छा सिंपल एंड यूनिक लॉन्च एप्लीकेशन में बताऊंगा जिसको आप यूज करके आपका फ़ोन को और ज़्यादा शॉर्टकट बना सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है कंट्रोल iOS 11। तो आप इधर प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे कंट्रोल iOS 11, आपको ये एप्लीकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से डाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं पहले से यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ। इसको कैसे यूज करते हैं आपको मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। तो फर्स्ट इसको ओपन करते हैं। तो ओपन होने के बाद आप इधर साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मैं इतना साइज रखा हूँ। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये कैसे शॉर्टकट देता है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए परमिशन आपको देना पड़ेगा। परमिशन देने के बाद आप इधर आपको देखिए आप इधर साउंड बड़ा कमा सकते हैं, ब्राइटनेस भी कमा सकते हैं, आप इधर डाटा भी ऑफ कर सकते हैं और ब्लूटूथ भी वाईफाई भी ऑन कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा यूनिक एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करके अपना फ़ोन को ज़्यादा शॉर्टकट बना सकते हैं और आपका फ़ोन को अच्छा लुक भी देता है। इसका नाम याद रखिए, इसका नाम है iOS कंट्रोल सेंटर। आप इधर डायरेक्ट कैलकुलेटर भी खोल सकते हैं। इस ये एप्लीकेशन आपको सब यूज कर देगा, मतलब आपका काम को और शॉर्टकट वे में वो कर देगा। ये नीचे में आप सर्च करने से ये आ जाता है। आप इधर कैमरा टॉर्च लाइट भी ऑन कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम आउट भी आप कर सकते हैं, लॉक भी इधर कर सकते हैं। आपका फ़ोन जो मतलब आप फोटो देखते हैं आपका जो लॉक रहता है वो रोटेट इसमें लॉक कर सकते हैं। इधर एयरप्लेन मोड भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आप इधर डायरेक्ट म्यूजिक प्लेयर भी बजा सकते हैं। आपको इधर देना पड़ेगा कौन सा म्यूजिक प्लेयर, जैसे म्यूजिक में इधर दे देता हूँ। देने के बाद आप इधर स्वाइप करेंगे, देखिए म्यूजिक प्लेयर भी आप बजा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जिसको आप यूज करके आपका फ़ोन को और शॉर्टकट वे में यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन। जो मेरा सेकंड एप्लीकेशन है उसका नाम है टच बार। तो लेट्स देखते हैं टच बार। ये आ गया टच बार फॉर एंड्रॉइड। आप इधर प्ले स्टोर में सर्च करने से आपको ये जाएगा। आपको मैं ये एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका रेटिंग 3.6 रेटिंग है, ये अच्छा है। 10,000 इसका डाउनलोड है। तो इसको फर्स्ट हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आपको मैं इसको डिटेल्स में बता दूंगा आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो बहुत ही छोटा एप्लीकेशन है, 2.50 MB का है। ये देखिए कंट्रोल सेंटर iOS, इसको आप कनेक्ट करेंगे, इसको नहीं। तो ये हो गया, आप इधर स्क्रीन ओवरले करना पड़ेगा नहीं तो ये नहीं होगा। ऑन हो गया, आप इधर परमिशन देना पड़ता है नहीं तो ऑन नहीं होता है। परमिशन देना पड़ेगा नहीं तो ये ऑन नहीं होगा। ऑन हो गया टच बार, उसके बाद हम इसको खोल देते हैं। टच बार ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद आप इधर आपका फ़ोन को सिंपल एंड डिफरेंट लुक भी दे सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन और भी शॉर्टकट दे देता है। तो आप इसको जब भी YouTube वीडियो देखने टाइम भी आप इसको चला सकते हैं। आप इधर प्रैक्टिस कम बड़ा ज़्यादा और डाउन भी कर सकते हैं। आप इधर साउंड भी बड़ा कमा सकते हैं। उसके बाद आप इधर डायरेक्ट गूगल असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। तो आपको YouTube वीडियो देखने टाइम भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे मैं खोल देता हूँ YouTube वीडियो। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। देखिए जैसे मैं मेरा YouTube वीडियो खोलता हूँ तो आपको डायरेक्ट इधर आपको सब शॉर्टकट मेथड मिल जाएगा। जैसे मैं YouTube वीडियो में खोल दिया। देखिए जैसे मैं खोल दिया ये नीचे में नहीं जाता है। आपको इधर
सब मिल जाता है। आप इधर YouTube वीडियो देखने टाइम में आप ये बहुत ही शॉर्टकट एप्लीकेशन है, आप इसको YouTube वीडियो देखने टाइम में आप यूज कर सकते हैं। इधर आप YouTube वीडियो देखने टाइम आप ब्राइटनेस कम बढ़ा भी सकते हैं और साउंड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इधर डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत यूनिक एंड शॉर्टकट एप्लीकेशन है जिसको यूज करके आपका फ़ोन को आप अच्छे लुक एंड थोड़ा यूनिक बना सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड एप्लीकेशन। चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन के, तो उसका नाम है फास्ट फाइंडर। आप इधर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करेंगे फास्ट फाइंडर, तो वो एप्लीकेशन में आपको बताएं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो था टच बार, उसको आप देख सकते थे कैसे YouTube वीडियो देखने टाइम भी आपको शॉर्टकट में ब्राइटनेस कम बढ़ा भी सकते हैं, साउंड भी कम बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा थर्ड एप्लीकेशन फास्ट फाइंडर, इसको हम लोग जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर देते हैं। इसका रेटिंग अच्छा है, 4.5 इसका रेटिंग है, 10,000 इसका डाउनलोड है। तो ये हो गया, हम लोग का इंस्टॉल हो गया, इसको हम लोग अभी ओपन करते हैं। ये अच्छा एप्लीकेशन, आपको अलाउ परमिशन देना पड़ता है। अलाउ करने के बाद आप इधर कुछ भी मतलब आप जल्दी खोल सकते हैं। आपको इधर ये अच्छा एप्लीकेशन है और भी शॉर्टकट आपको देता है, आप इधर हिडन फाइल्स भी जल्दी खोल सकते हैं। जैसे मैं आपको इधर मैं सर्च करता हूँ कैमरा, कैमरा मैं खोज दिया, कैमरा में इधर मेरा जो डिफ़ॉल्ट है कैमरा वो आ गया, वीवा कैमरा भी आ गया, कैमरा MX FZ कैमरा, ये सब मैं पहले से यूज करता था, उसको मैं अभी अनइंस्टॉल कर दिया हूँ इसलिए वो डायरेक्ट नहीं दिखाता है। इसे आप इधर फाइल मैनेजर सर्च करेंगे, फाइल मैनेजर सर्च करने से आप इधर फाइल मैनेजर का सब आ जाएगा। आप फेसबुक सर्च करेंगे तो मैं फेसबुक और फास्ट फाइंडर, आप ऐप में सर्च करेंगे तो आपका मैं फुल नहीं लिखा हूँ इसलिए मेरा ऐप में जो है फास्ट फाइंडर एंड फेसबुक जो मैं बता रहा था, ये वाला फास्ट फाइंडर बता रहा हूँ, ये डिटेल्स में आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप कुछ जल्दी पाना है तो आप इधर सर्च डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ लंचर डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। जो एक एक लंचर रहता है उसको डाउनलोड करने के बाद आप उधर सर्च बार में कर सकते हैं, बट वो लंचर आपको 10-20 MB ज़्यादा MB लेगा, बट ये 2.50 MB का है, बहुत ही छोटा है पर इसका काम अच्छा करता है। तो आपको पता चल गया होगा एप्लीकेशन, कोई तीन एप्लीकेशन में बता दिया, जैसे फास्ट था मेरा कंट्रोल सेंटर, आप इधर साइज कम बढ़ा सकते हैं, और मेरा सेकंड था टॉच बार, आप यूट्यूब वीडियो देखने टाइम भी इसको कर सकते हैं, ये और थर्ड एप्लीकेशन मेरा था फास्ट फाइंडर, इसको आप कुछ सर्च करना होगा तो फटाफट आप सर्च कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट कीजिए, आपको सॉल्व रहेगा तो नीचे में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।